वेलकम बैक। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ओपन वैली। आज का विषय है कि जो आपने आईसीएमआर का टेस्ट दिया है, जिनका टेस्ट भी चल रहा है, तो कैसे आप अपने टेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं, आप कैसे देख सकते हैं आपका रिजल्ट कैसा है या कितना समय आपने किस क्वेश्चन पे दिया है, टोटल एनालिटिक्स का बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ओडोन बायोलॉजी के एग्जाम पोर्टल पे जाना है, जहां आपको इस तरह का ओवरव्यू देखने को मिलेगा, जिसमें से आप अपना यहां या तो आपको जो रोल नंबर दिया गया है ओडोन बायोलॉजी की तरफ से वो फिल कर सकते हैं, या आप अपना फोन नंबर फिल करिए और नीचे पासवर्ड दीजिए और लॉग इन पर क्लिक करिए। तो इस तरह का पेज आपके पास खुल गया है। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, उन्हीं का एक केस स्टडी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप अपना एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं एग्जाम के लिए। तो यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए आपके पास कुछ कॉलम है, ऑनलाइन एग्जाम, ये वो कॉलम है जहाँ आपको अपने अपकमिंग एग्जाम्स दिखेंगे, जैसे जो एग्जाम आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो यहाँ पे आते रहेंगे, आपको दिखेंगे कि कौन से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने हैं। जैसे इनके लिए अभी 6 एग्जाम है जिनको अटेम्प्ट करना बाकी है। इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे है परफॉर्मेंस का, और ये नोटिस बोर्ड है। अगर हम कोई नोटिस आपको देना चाहेंगे या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा, ये यहाँ पे रहता है। और यहाँ आपका परफॉर्मेंस का सेक्शन है, इस पर क्लिक करिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रिजल्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ दिखा रहे ओवरऑल रैंक जो है आपका कैसा है, वो 1 रैंक है। आपके यहाँ एग्जाम का नाम है आईसीएमआर सेक्शन ए का एग्जाम है, जो कि 1 सितंबर को हुआ है। अब जो है आप थोड़ा सा नीचे आइए या इस पर क्लिक करिए तो आपको और डिटेल में ये देखने को मिलेगा इसका। यहाँ पे आपका स्कोर है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका स्कोर दिखता है, और टोटल 4 में से 1 out of 4 स्टूडेंट है, यानी कि आपका फर्स्ट रैंक है इन 4 स्टूडेंट में से जिन्होंने एग्जाम को दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है आप नीचे आइए और यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है और ये एनालिसिस है जो आपको चेक करना है। इस एनालिसिस पे क्लिक करिए आप। जब इस पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ 2 रैंक है, एक इंस्टीट्यूट वाइज रैंक है और एक एग्जाम वाइज रैंक है। उस एग्जाम में आपका कितना हुआ, आपको ये सब नहीं देखना है, आपको अपना एनालिटिक्स देखना है, चेक करना है। यहाँ पे देखिए कि ये तो रैंकिंग है सिर्फ, नीचे यहाँ देखिए रेड कलर का एक बटन है यहाँ पे, जो कि राइट साइड की तरफ इशारा कर रहा है। कंप्लीट एनालिसिस देखने के लिए जो डिटेल है, इस रेड बटन पे आप क्लिक करिए। जब आप रेड बटन पर क्लिक करेंगे आपका कंप्लीट एनालिसिस उस एग्जाम का खुल जाएगा। और उस एग्जाम का कंप्लीट एनालिसिस क्या है, ये 4 बच्चों में से जो आपके साथ थे उनमें क्या क्या मैक्सिमम मार्क्स क्या है, ये जो ब्लू कलर का है ये हाईएस्ट आपका रेड कलर का मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स ये है आपका, हाईएस्ट स्कोर जो है वो ये हुआ, यानी कि टोटल 35 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, उसमें से 27.5 मार्क्स वो मैक्सिमम, और ये एवरेज स्कोर है, मतलब जितने स्टूडेंट ने दिया है उसमें एवरेज स्कोर क्या है, और ये जो स्कोर है इस कलर का ये आपका अपना स्कोर है। तो यहाँ से आप ग्राफ के जरिए देख सकते हैं आपका रैंकिंग। अब आप अपने मेन क्वेश्चन पर आइए, कितना आपने अटेम्प्ट किया है, जो येलो कलर से है वो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, इसमें येलो कलर नहीं है, इसका मतलब कि आपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब रेड और ब्लू इस कलर है नेवी, तो ये रेड जो है आपने ये इनकरेक्ट किया है, और ये जो कलर है आपका ये करेक्ट है, यानी कि 6 आपका इनकरेक्ट है और बाकी जो है वो करेक्ट है आपका 29 क्वेश्चन करेक्ट है। अब अगर और डिटेल देखना है इसमें, क्वेश्चन वाइज अगर देखना है, ये तो हो गया एग्जाम का, अगर क्वेश्चन वाइज देखना है यहाँ नीचे आप चेक कर सकते हैं, टाइम दिया आपने 16 मिनट 34 सेकंड इसमें स्पेंड किया है और आपका स्कोर एक। अब क्वेश्चन वाइज देखेंगे तो यहाँ फिर एक रेड बटन है, इसको क्लिक करें तो और डिटेल में खुल गया है। ये इतना डिटेल है कि आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं कि कैसे आप, ये आपका तो एक एक क्वेश्चन का इसमें से हिसाब है आपका, आपने कहाँ कितना समय स्पेंड किया है, किस क्वेश्चन में कितना समय आपने लगाया है। ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये आपका करेक्ट क्वेश्चन है, जो रेड कलर है वो इनकरेक्ट क्वेश्चन है, जो स्लेटी कलर का है उसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है,
और जो येलो कलर का है वो पार्शियल करेक्ट है। तो पार्शियल करेक्ट का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है ऐसी मार में, तो अगर तो वो रेड होगा, सिलेटी होगा या तो फिर आपका ग्रीन होगा। तो और ये जो गोला है, बड़ा छोटा गोला है, तो जो छोटा गोला है वो दर्शाता है कि आपने वहाँ पे कम समय स्पेंड किया है। जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्वेश्चन नंबर वन है जिसमें आपने 16 सेकंड सिर्फ स्पेंड किया है और ये गलत है। इसके बाद आइए यहाँ पे स्क्रीन में, इसमें आपने 1 मिनट 4 सेकंड इसमें स्पेंड किया है और क्वेश्चन नंबर दो है ये। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन भी दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आपने ज्यादा समय कहाँ दिया है और कहाँ कम समय दिया है, कैसे आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप इधर और आगे बढ़ते जाइए, हर एक क्वेश्चन का हिसाब है यहाँ पे। जैसे सबसे ज्यादा समय हमको लगता है कि 33 नंबर क्वेश्चन में 1 मिनट 34 सेकंड का समय है, लेकिन लकी ये सही क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है इसमें सबसे ज्यादा कम समय दिया गया 18 नंबर क्वेश्चन जो है 7 सेकंड का, और ये रॉन्ग हो गया है, गलत हो गया है जल्दीबाजी में लगाने के कारण। तो यहाँ से आप एनालिटिक्स अपना चेक कर सकते हैं और इसको अगर आप ठीक से समझ गए तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट में मदद करेगा कि कैसे आपका जो है टाइम मैनेज हो सकता है, कहाँ आपने ज्यादा समय लगाया, कहाँ आपने कम समय लगाया और कैसा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कहीं ज्यादा समय लगाते फिर भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन गलत है, तो उस तरह के क्वेश्चन को गौर करने का जरूरत है कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे ट्रिकी किया जा सकता है। और कुछ कुछ क्वेश्चन हैं कि बहुत कम समय लगाया फिर भी सही है, पर उसको भी देख लेना जरूरी है कि वो हमने अंदाजी में लगाया था या एक्चुअली हमने कॉन्सेप्ट से लगाया था। और अगर अंदाजी लगाया था तो उसको एक बार देख लेना जरूरी है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप कम समय में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को इतने आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन वाइज आपने चेक कर लिया एक नज़र में कि किसमें हमने ज़्यादा समय लगाया है, किसमें कम समय लगाया है। तो आसानी से आप पता लगा सकते हैं सर्किल के माध्यम से कि जो बड़ा सर्किल है उसमें ज़्यादा समय लगा है, छोटा सर्किल है उसमें कम समय लगा है। ये हो गया कि एक नज़र में आपने कैसे पता कर लिया कि किसमें आपका ज़्यादा समय लगा है, किसमें कम समय लगा है, कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है, सर्किल के माध्यम से और उसके कलर के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। लेकिन इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कि आंसर की के साथ आप कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा और डाउन होइए, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है आपका, क्या ऑप्शन है, यहाँ एक ऑप्शन है माइक्रो एनालिसिस ऑफ एग्जाम पर्पस। अब उससे भी डीप एनालिसिस माइक्रो एनालिसिस है, ये सब्जेक्ट है, ये तो आप जानते हैं, टॉपिक जानते हैं, डिफिकल्टी यहाँ रिस्पॉन्स की है। क्वेश्चन नंबर एक अगर आपको पता है कि ये रॉन्ग है या सही है, ये तो कलर से ही आपको पता चल रहा है आपका कि क्या आपका करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अगर ये रेड कलर है यानी कि आपका इनकरेक्ट है और यहाँ पे आपने 60 सेकंड स्पेंड किए हैं और इसका एक्चुअल आपका रिस्पांस सी है और इसका आंसर ए है, तो ये जिसका कॉमन है वो सब आपका करेक्ट है, जिसका कॉमन नहीं है जैसे इसका आपने रिस्पॉन्स डी किया है लेकिन इसका आंसर क्या है ए है। और ये जो परसेंटेज है ये आपके काम का एक्चुअली नहीं है क्योंकि ये दिखाता है ओवरऑल जो अटेम्प्ट है, यानी कि समझिए 50% क्वेश्चन जो है सही हुआ है और 50% लोगों ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है। जैसे यहाँ पे 75% करेक्ट है और 25% इनकरेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, अटेम्प्ट नहीं किया है 25, यानी कि 75 लोगों ने अटेम्प्ट किया है और जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है उसका क्वेश्चन सही है। यहाँ से हमने देख लिया कि एक नंबर जो है वो इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन हमारा इसका रिस्पांस क्या होगा और आपने क्या दिया है। जस्ट थोड़ा सा नीचे डाउन होंगे एक नंबर में देखेंगे इसका रिस्पांस आपने सी लगाया है, इसका आंसर जो है वो ए है, तो आप इसको सुधार सकते हैं और इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन का एनालिसिस। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे आपका एनालिसिस करना है खुद का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ICMR के लिए, NHGRF के एग्जाम के लिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है कोडन बायोलॉजी के नाम से, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप उस लिंक से जुड़ जाइए, आप हमारे चैनल पर आइए, हम वहाँ आपको कुछ क्वेश्चन देते रहेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। एग्जाम वाइज क्वेश्चन मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा हुआ ICMR के लिए ICMR जैसा क्वेश्चन, तो ज्वाइन करिए आज ही। फेसबुक पर हमारा ग्रुप है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।